राजस्थान के राजगढ़ में पूर्वी राजस्थान नहर योजना परियोजना के अलवर जिले के अन्य बांधों को जोड़ने समेत ईसरदा बांध पेयजल परियोजना को राजगढ़ रैणी टहला तहसील तक विस्तृत करने की मांग को लेकर एसडीएम सीमा खेतान को कृषि मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। यह ज्ञापन ईआरसीपी अलवर जिला संघर्ष समिति के जिला संयोजक महंत प्रकाश दास और क्षेत्रीय विधायक के मांगेलाल मीना के नेतृत्व में सौंपा गया है। इस परियोजना की फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार पानी की उपलब्धता अलवर जिले में जय समंद बांध और अलवर शहर के लिए दर्शाई गई है। वर्ष 2023 में राजगढ़ क्षेत्र के धमरेड लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के घाट बांधों को भी डीपीआर में जोड़ दिया गया है, जबकि जिले में रियासतकालीन बांध राजगढ़ रैणी लक्ष्मणगढ़ मालाखेड़ा थाना गाजी कठुमर आदि हैं। जिले के सभी बांधों को डीपीआर में जोड़ने की पुरजोर मांग की गई है। वहीं दूसरी ओर ईसरदा बांध पेयजल परियोजना को राजगढ़ रैणी टहला तहसीलों तक विस्तृत करने की मांग को लेकर भी मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। राजगढ़ से हेमंत की रिपोर्ट। पुरानी मांग है कांग्रेस सरकार की और बार बार इसके डीपीआर भिजवाने के बाद भी राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया गया था। अब अपने स्टेट में भी राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है और हमें अपेक्षा है उनसे कि अब मिलके इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करके और अपने वंचित जिले हैं 13 जिले जो सूखे से ग्रसित हैं, जल जीवन संकट में हैं जल के बिना, और उसके लिए ईआरसीपी को जल्दी से जल्दी शीघ्र इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करते हुए पानी राजगढ़ और यहाँ सब अलवर जिले में भी पहुँचाएँ। और जिसके लिए अपने बांध जो है प्रमुख मांग ये है, डीपीआर में मूल बांधों का समावेश नहीं है किया गया है, तो ये पुराने रियासती जो भी इरिगेशन डिपार्टमेंट के लिस्टेड हैं उन बांधों को इस परियोजना से जोड़ा जाए, जिससे क्या जल जीवन जल स्तर भी ऊपर आएगा और उससे क्या पानी का पीने का भी संकट दूर होगा।